limitations of VBT. First, this theory cannot explain why a ligand is strong or weak. मतलब strong है तो strong क्यों है और weak है तो weak क्यों है नहीं बता पाया. Second, why back pairing occur? Why back pairing occur? भाई back pairing हो भी रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे logic तो होना चाहिए. तुमने कहा और हमने मान ली सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ practical करे और उस practical के results के according अपनी theory बना ली, तो हमें ऐसा लगा कि तुम्हारे थ्योरी से वो रिजल्ट आए, लेकिन गलत. तुमने तो रिजल्ट से थ्योरी बनाई है, तो हर जगह लगनी चाहिए. बहुत सी जगह आपके एक्सेप्शंस आ रहे हैं. थर्ड पॉइंट, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर प्रॉपर्ली. बहुत सी जगह मैग्नेटिक नेचर भी नहीं बता पा रहा था. दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन कलर इंटेंसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. भाई कोई कंपाउंड कलर्ड है तो क्यों है, क्यों नहीं है. उस पहले इससे पहले ये चल रहा था कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड है, लेकिन यहाँ तो कई बार ऐसा हो ही नहीं रहा था. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे फिर भी कंपाउंड क्या थे, कलर्ड थे. समझ में नहीं आया मुझे. कई कंपाउंड ऐसे थे जिसके अंदर पूरे डी ऑर्बिटल भरे हुए थे फिर भी कलर्ड थे. समझ में नहीं आ रहा यार. कुछ तो लॉजिक से समझाता है ये थ्योरी, तो कलर पे तो बिल्कुल ही नहीं कमेंट कर पाया. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पहला पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड क्या कहता है लिखिए. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स. इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, यानी आसान भाषा में आयनिक. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस थ्योरी वी एज्यूम दैट मेटल आयन is positive and ligand is a negative charge particle. Next point, if a ligand is neutral, इफ ए लिगेंड इज न्यूट्रल, यानी लिगेंड ही हमारा क्या है, न्यूट्रल है, जैसे H2O CO वगैरह. अब उसको चार्ज पार्टिकल कैसे मानोगे, तो न्यूट्रल है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो पोलरिटी होगी. एक पोलर पार्ट होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव. तो ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, इफ लिगेंड इज न्यूट्रल देन वी एज्यूम इट इज ए डाइपोल एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, इट इज ए डाइपोल एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ मेटल कैटायन एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ मेटल कैटायन. ठीक है, नेक्स्ट, ligand which having high negative charge or high charge density gives more splitting in the complex compound, gives more splitting in metal of complex compound, metal of complex compound. And this type of ligand is called strong ligand.
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, डीजनरेसी का मतलब होता है आइडेंटिटी, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉयड एंड सो दैट एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, द डी ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन डायरेक्शन ऑफ, द डी ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, getting more potential energy due to electron-electron cloud repulsions. Next, it means splitting also depends on structure of coordinate sphere. अब जो भी मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अब बात आती है एप्लीकेशन वाले पार्ट की, तो मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाइडल, क्योंकि मैंने बता ही दिया ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी, तो ऑक्टाइडल के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, डी टेट्राहेड्रल के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा और स्क्वायर प्लेनर के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। बोल पढ़ना पड़ेगा ना, तो लिखो। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले मैं बनाऊंगा, आप देखेंगे 1 2 3 4 डी ऑर्बिटल, आप जानते हो डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, आ रही है बात समझ में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, पहले तो एवरेज एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा दो, आप बढ़ा दी, बोलो यस। अब एवरेज एनर्जी बढ़ी है, इसमें भी दो पार्ट आप करेंगे, एक वो डी ऑर्बिटल जो डायरेक्शन ऑफ लिगेंड है, ऑक्टाइडल कैसा होता है पहले तो सारी एक्सेस में होते हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेस में है ऐसे ऑर्बिटल हैं, एक तो डी जेड स्क्वायर और एक है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये ऑर्बिटल एक्सियल में है और ऑक्टाइडल भी एक्सियल ही है, यानी लिगेंड भी एक्सियल में और ऑर्बिटल भी एक्सियल में, ये ऑर्बिटल ये लिगेंड दोनों एक्सियल में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन ज्यादा होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी औरों से क्या होगी, ज्यादा होगी, पक्का। तो कम किसकी होगी, बचे हुए डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है
उसको बोलेंगे डेल्टा नॉट. क्या है इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो? हाँ बेटा, हाँ बोलो जोर से. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम अलग से लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा सी एफ एस ई. ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगी लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है. अगर स्ट्रांग के लिए मैं इतना बना रहा हूं, मैं मान लिया ये स्ट्रांग साइड है, तो वीक के लिए इससे कम बनाऊंगा? बोलो हाँ. तो अलग अलग लिगेंड के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक आइडिया से स्ट्रांग के लिए मैंने ज्यादा लिया है तो वीक के लिए थोड़ा कम ही लूंगा. तो इस तरफ मैं एवरेज तो वहां पर भी बढ़ेगा, लेकिन मैं वीक ले लेता हूं और दोनों का डिफरेंस थोड़ा कम कर देता हूं. सही है? तो ऊपर कौन होंगे? ऊपर वही होंगे दोनों बेचारे, और नीचे बाकी के तीन बेचारे. बेचारे तो सब हैं यहाँ, अलग होने के बाद सब बेचारे हो जाते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या कहलाएगा नॉट? कहलाएगा तो यहां पर भी डेल्टा नॉट. नॉट का मतलब क्या? नॉट का मतलब ओ है. ओ का मतलब ऑक्टाडल. जब ये टेट्राहेड्रल होगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? डेल्टा टी. सही है? कुछ दिक्कत आ रही है समझने में? आनी भी नहीं चाहिए. सही है? आप सब समझेंगे, पहले लिखेगा कोई भी नहीं. तो जब तक लिगेंड नहीं है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो वो, मान लीजिए वो स्ट्रांग लिगेंड है तो वो भी यहां आएगा, और वीक लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां जाएगा. जो बिटवीन द एक्सेस हैं, ये बिटवीन द एक्सेस हैं, उनको तो मैंने नाम दिया T2G. क्या नाम दिया? T2G. क्रिस्टल थ्योरी के अकॉर्डिंग नाम पड़ता है. ठीक है ना? जैसे क्रिश्चियन के अलग नाम होते हैं, हिंदू के अलग होते हैं, नाम से भी पता चलता है. T2G. और इनका नाम दिया, जो एक्सेस के ऊपर है उनका नाम दिया EG. तो EG मतलब एक्सेस वाले, और T2G जो इन बिटवीन द एक्सेस है. तो T2G में कौन आएंगे? ये तीनों आ जाएंगे. और EG में कौन आएंगे? ये दो आ जाएंगे जो ऑन द एक्सेस है. तो जब तक आप यहां बात कर रहे हो, पहला इलेक्ट्रॉन आया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो जब तक लिगेंड नहीं है आप क्या नाम दोगे? D1. लेकिन मैं लिगेंड पढ़ा रहा हूं तो मैं तो बात ही लिगेंड की करूंगा. तो अगर आपके पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, क्या है आपके पास? D1. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D1 है. मैं एक मिनट थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं. D1, तो आप D1 में लिगेंड में D1 नहीं लिख सकते. आप क्या लिखोगे? D भी नहीं लिखोगे. अब आप लिखोगे T2G1. बोलो हाँ. तो चलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1. म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.732. बोलो, हर चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मेरे को एक और चीज बतानी थी. क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, इसको ऐसे तोड़ते हैं, इस तरफ दो है ना, और इस तरफ कितना है? 3 है. तो यहां होगी -2/5 डेल्टा नॉट, क्योंकि नेट तो डेल्टा चाहिए पर ऑर्बिटल. और इस तरफ होगी 3/5 डेल्टा नॉट प्लस में, वहां माइनस, यहां प्लस. यहां 3/2 क्यों है? क्योंकि नीचे 3 है, जिसे लास्ट में एवरेज 0 आ जाए, ऐसा कुछ काम करना है. तो यहां एन म्यू भी लिख दिया, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही. आ रही है? एक ऑर्बिटल में कम कर देता हूं यार, मेरे को जगह चाहिए रहेगी, बाद में कम कर देंगे. तो अब आप मुझे ये बताओ, यहां CFSC की वैल्यू क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस, नीचे माइनस, 2/5
मल्टीप्लाई बाय वन, डेल्टा नोट सब में लगेगा पीछे, समझ में आ गया, डेल्टा नोट सब में लगेगा, कोई डाउट? तो ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? दूसरा, अगर ये D2 है तो आप क्या लिखोगे, T2G2, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दो, मानते हुए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या होगा यहां पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो, म्यू की वैल्यू 2.9, और अब आपके पास माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर यहां तीन इलेक्ट्रॉन है T2G 3.9 माइनस 2/5 3, अगर यहां चार है D4 तो T2G 4, क्योंकि ये इतना ज्यादा है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि डेल्टा नोट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड कि बैक पेयरिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक पेयरिंग तब होगा जब एक तरह से, कौन सा रूल टूट रहा है, हुंड्स का, हुंड्स ये कहता है कि सबको एक एक मिलना चाहिए, बेचारा ऊपर को मिला नहीं और नीचे क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, हुंड्स का रूल टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक डेल्टा नोट की वैल्यू इस जगह क्या है, इस जगह ऐसा क्यों हो रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि आपके पास डेल्टा नोट की वैल्यू किससे ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से, पीई से क्या है, ज्यादा है, आ रही है बात समझ में, पीई से क्या है, ज्यादा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पीई से ज्यादा होना है यानी बैक पेयरिंग टूटना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ज्यादा आने की जरूरत भी नहीं है, बहुत है जितना मैंने बता दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो, कितनी हो गई 2.9, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4, D5 T2G 5, ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो यहां कितना हो जाएगा 1.732 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5। D5 तक किसी को कोई दिक्कत आई समझने में, ठीक है। अब बात आती है, एक बार देख लो अच्छे से, एक बात और आई, अगर यहां पर D6 होता, तो कैसे सोचते, कैसे सोचते, सिंपल सोचते, T2G 6 हो जाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 0, बोलो म्यू की वैल्यू क्या होती, 0, CFSE की वैल्यू क्या होती, माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6, डेल्टा नोट सभी के साथ होता, यूनिटी हो जाती डेल्टा नोट, वहां पर डेल्टा नोट अपने आप में क्रिस्टल फील्ड की एनर्जी की यूनिट भी यही है। अगर D7 होता, 7 ऊपर ही लिखा जाता है, तो हम क्या लिखते, T2G 6, अब चालू होता है EG 1, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1.732 और यहां पर माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 आता, बोलो हाँ, क्योंकि 3/5 का एक इलेक्ट्रॉन अब आ चुका है प्लस में। ऐसे ही यहां पर D8 होता तो क्या होता, T2G के बाद 6, EG 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते 2, ये तो पहले ही भर चुके हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होता म्यू की वैल्यू 2.9 माइनस 2/6 इंटू 6 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे, अगर D9 होता तो T2G 6, EG 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1.732 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहां पर 3, क्लियर है। और अगर यहां D10 होता
तो फिर T2G6 Eg4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और ये भी वैल्यू 0 हो जाती है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. बोलो हाँ, ये तो तब है जब बैक पेयरिंग है. अगर बैक पेयरिंग नहीं होती, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रही है बैक पेयरिंग, तो आप बकायदा वैसे ही भरेंगे जैसे यहाँ भर रहे थे. पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा. क्यों जाएगा चौथा? क्योंकि यहाँ तो डेल्टा नोट ज़्यादा था, वहाँ डेल्टा नोट कम रहेगा. तो चौथा वहाँ जाएगा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां. कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे हमें भरना है. कुछ दिक्कत? तो ये अगर आपने भरना सीख लिया तो आपके लिए ये बहुत काम आसान हो जाएगा. तब तक ये लिखें पहले. हाँ तो मित्रों, अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की जो हमने ब्रेक किया था, और वो था सीएफटी डायग्राम हमने बनाया था किसके लिए? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए. क्या वैसा ही सीएफटी डायग्राम टेट्राहेड्रल के लिए होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो क्या डिफरेंस होगा? तो हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपने आप में किस तरह का है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपने आप में 3D का है, जिसके सारे लिगेंड इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, न कि ऑन द एक्सेस. ठीक है, तो इस कारण जो डी ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सेस है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो ऑन द एक्सेस है उनकी कम हो जाएगी. यानी इस जगह T2G वाले ऑर्बिटलों की एनर्जी ज़्यादा होगी और EG वालों की क्या होगी? कम होगी. या सुनो, पहली चीज. दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल लिगेंड है तो अच्छा है. तो यहाँ पर ये जनरली वहाँ होगा जहाँ लिगेंड क्या होगा? लिगेंड क्या होगा? वीक होगा. या फिर ऐसा होगा कि डी ऑर्बिटल सारे भरे हुए हैं, जैसे जिंक Zn+2 सभी भरा हुआ है. अब जब सभी भरे हुए हैं तो फिर बैक पेयरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है. तो आम का आंसर क्या होगा? sp3 होगा. तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा. इससे पहले मेरे दो डायग्राम थे ऑक्टाइडल में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. लेफ्ट साइड में मैंने लिया था जब लिगेंड वीक है और यहाँ लिया था स्ट्रांग है. तो यानी कि sp3 में ऐसा कोई वर्क नहीं आता इनर टेट्राहेड्रल ऑक्टाटेट्राहेड्रल. यहाँ सिर्फ टेट्राहेड्रल होता है. इनर वहाँ होता है जहाँ डी n-1 का है, या फिर आउटर जब होता है जब डी n+1 का है या n का है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल. लिखिए जो मैंने बोला है वो आपके क्लियर होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5. और अगर आप यहां बात करेंगे तो यहां पर T2G की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू EG की. बोलो यस. और ऐसा होता है तो यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जाएगा ही जाएगा. दूसरा कहां जाएगा? इस जगह. तीसरा, चौथा डिपेंड कर रहा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां. ठीक है, बोलो यस. ये वाला डिफरेंस हमारे लिए क्या कहलाएगा? डेल्टा टी. क्या कहलाएगा? डेल्टा टी. बिल्कुल वैसे ही हम बात करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. बस अब आप मानते हो कि ये डेल्टा टी है. तो डेल्टा टी टेट्राहेड्रल के लिए आपको क्या लगता है, बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा? यार मैं पहले ही बता चुका हूँ ये वीक लिगेंड्स के लिए ही ज़्यादातर होता है. तो डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पर? कम होगा. समझ में आ रहा है? तो डेल्टा टी क्या होगा इस जगह? बहुत कम होगा. तो इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन जो मालूम है अब मेरे को लिखाना है आपको. तो लिखते जाएँ जल्दी जल्दी इसको. कुछ एक और पॉइंट आपके पास होना चाहिए. एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि स्प्लिटिंग से पहले एनर्जी, ये स्प्लिटिंग यानी कि लिगेंड की वजह से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी
बढ़ेगी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. तो ये एक पॉइंट है आपके पास फर्स्ट, ड्यू टू, पहला पॉइंट लिखिए इसके लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस. ये एक ऐसा पॉइंट है जो सभी के लिए लगेगा, टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो या फिर कोई भी हो, ये एसर्शन रीजंस में आपके लिए काम आ सकता है. दूसरा पॉइंट, टेट्राहेड्रल जो हम बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली, जनरली लिख दिया मैंने, जनरली हैविंग वीक लिगेंड, सो इट हैज लो वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सी एफ एस सी. नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, सो ऑल लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सेस एंड सो that the d orbital which are present in between axes having high potential energy, as compared to other, as compare axial orbital. So what I want to say, that T2G orbital, energy of T2G orbital is more than energy of EG. यहां तक लिखे. सर थोड़ा सा कैमरा ही सही नहीं हुआ, मेरे से गलती हो रही है. हाँ बस एक इंच और, नहीं 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 बहुत है, उधर का कटेगा नहीं तो. ये कैसे हो गया आज? ठीक है अब डन. तो यहां एक और पॉइंट है, मैं इतना बता चुका हूं कि टेट्राहेड्रल में वीक लिगेंड है, थोड़ी एनर्जी कम होगी ऑक्टाहेड्रल्स के कंपेयर में, तो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी, सही है? तो कितनी ज्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल की? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी 9/4,
भाई आपको गलती से 4/9 याद नहीं रहे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑक्टेटल की ज़्यादा होगी, तो यहाँ क्या होगा 9/4 पक्का। और आप जानते हो कि स्क्वायर प्लेनर उसमें तो स्ट्रांग लिगेंड होता है, तो वो तो ऑक्टेटल से भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम अगला आर्टिकल लेने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर, तो ये तो लिया मैंने टेट्राहेड्रल। इसमें आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि यहाँ बैक पेयरिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं, डी कोई भी कंसेप्ट नहीं, तो इनर टेट्राहेड्रल और इनर ऑक्टाहेड्रल वाला, सॉरी इनर टेट्राहेड्रल और आउटर टेट्राहेड्रल नाम का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ वो भी नहीं आएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, इन दिस कंसेप्ट हाई स्पिन और लो स्पिन और इनर आउटर टाइप टर्मिनोलॉजी नॉट यूज्ड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर, ये बात तो तय है कि हमारे ये डी ऑर्बिटल, ये पांचों डी ऑर्बिटल है, ये तब तक है इक्वल जब तक कि कोई लिगेंड नहीं है। लिगेंड आते ही इनमें लड़ाई हो जाती है, और अब जब तक लिगेंड नहीं है तब तक हम इन सबको क्या बोलेंगे, डी जनरेसी बोलेंगे। डी जनरेसी मतलब यहां आइडेंटिकल बाय एनर्जी, लेकिन जैसे ही क्या लिगेंड आया, इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ गई। बढ़नी तो है, भले लिगेंड कोई सा भी आए, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, एवरेज एनर्जी हमेशा बढ़नी है। अब बढ़कर क्या होगी, ये सारे क्या है डी ऑर्बिटल है, कुछ डी ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, कुछ की क्या होगी कम होगी। डी ऑर्बिटल कैसे कौन सा पढ़ रहे हैं हम, CFT कौन सा पढ़ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर को अगर हम देखते हैं तो डी में तो है ही नहीं है, ये कहां पर है, एक्स और वाई में, कोई दिक्कत। स्क्वायर प्लेनर अगर आप एक्शंस बना दोगे तो मेरे हिसाब से ये सारे एक्स वाई डी में तो होंगे नहीं, तो डी ऑर्बिटल में नहीं होंगे तो वहां पर रिपल्शन सबसे कम होगा, कम होगा तो डी ऑर्बिटल वालों की पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी, कम होगी ना। तो अब बात करते हैं कि डी वालों की सबसे कम होगी तो डी में भी सबसे कम किसकी होगी, लिखिए, तो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी होगी, पहले आप उल्टा चलते हैं अपन, सबसे ज्यादा किसकी होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, जो ऑन द एक्सेस है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, बोलो यस। फिर उसके बाद किसकी होगी, डी एक्स वाई, फिर उसके बाद किसकी होगी, नाम लिखते जाओ, फिर उसके बाद आएगी आपकी डी जेड स्क्वायर की, सबसे कम इसमें, फिर उसके बाद बचे दो, कौन बच रहे हैं, डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड, बिल्कुल सही है। आप जानते हो डी जेड स्क्वायर की जीरो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी एक्स वाई में एक रिंग होती है बस, इस कारण वो एग्जैक्ट जीरो, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं होता ना, तो वो इससे भी नीचे जाता। अरे ये बात समझ में, तो कुल मिला के ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिलअप ऐसे ही करेंगे हम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, दस से ज्यादा आएंगे नहीं। तो कुछ खास पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं वो लिखें आप, पहला लिखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो है, इन द स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर सबसे पहला पॉइंट, जनरली लिगेंड आर वीक, जनरली लिगेंड्स क्या होंगे, जनरली लिगेंड्स आर वीक, वीक या स्ट्रांग, जनरली लिगेंड्स आर स्ट्रांग, गलती से बोल गया वीक, स्ट्रांग। दूसरा पॉइंट, स्ट्रांग तो होंगे ही इसके अंदर, दूसरा पॉइंट
इट इज द 2D स्ट्रक्चर, 3D नहीं है, इट इज द 2D यानी कि प्लेनर, प्लेनर भी बोल सकते हो आप, 2D प्लेनर स्ट्रक्चर. सो डी ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट on axis xy axis having highest repulsion so they have highest energy. Highest energy. ये एक छोटा सा पॉइंट हमारे साथ आ रहा है. एक और पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है और वो है स्पॉट. स्पॉट SP ये बता रहा है. SP का मतलब स्क्वायर प्लेनर, O का मतलब ऑक्टाडल, और टी का मतलब टेट्राहेड्रल. एनर्जी ऑर्डर बता रहा है ये हमें. और सबसे ज्यादा हमारे पास एनर्जी किसकी होगी, इसकी. लिखें इसको.